यार अर्जुन, तू तो जीत गया, आज तो पार्टी होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, क्या खाओगे? ना खाएंगे तो बिल्कुल नहीं, हम लोग पिक्चर जाएंगे देखने। भैया दिखा दो ना, भैया दिखा दो ना, भैया दिखा दो ना, भैया दिखा दो ना। अच्छा ठीक है, आज हम लोग पिक्चर देखेंगे, चलो। मुर्गी चोर आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। चुपे, टिकट की व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? फिर क्या, कहाँ है मेरी टिकट? हाय हाय, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत दिनों बाद फिल्म देखने जा रहा हूँ, आज बहुत मजा आएगा। अबे इससे पहले फिल्म देखने कब गया था? अरे जब तू पैदा हुआ था। बीरू बीरू, झोले में क्या है? सही यार। अबे वो संजय, झोले में क्या है? चुप रहो, धीरे चलो, इसमें टिकट की व्यवस्था के लिए मुर्गी है। सही है। हाँ। ये मुर्गा ले लीजिए। अब जुगाड़ हो गया। चलो यार, व्यवस्था तो हो गई। पिक्चर पे लिखा है देखने वाले का नाम, मुर्गी पर लिखा है बेचने वाले का नाम।
संजय, वीरू, लल्लूराम, उठो यार। अबे क्या बात होती अगर मैं भी होता। हम लोग क्या करें भागे। हीरोइनिया हम में ना इमली ने तो क्या करते हैं हम। क्या यार क्या हुआ, कितना बढ़िया सपना देख रहा था, उस हीरोइन के साथ गाना गा रहा था, तुमने जगा दिया। तुम लोग कोई अच्छा काम करने नहीं देते हो। शकल देखो लंगूर की तमन्ना है अंगूर की, हीरोइन तो मेरे लायक थी, उस हीरो की जगह मैं होता तो फिल्म में जान आ जाती। आजा बेटा पास आजा मेरे दोस्त, नहीं तो तू बहुत दूर चला जाएगा। वापस आ। ये बताओ तुम लोग ख्यालों के ही पुलाव पकाते रहोगे। तेरे 200 ग्राम भेजे में कौन सा विचार पक रहा है। अबे सुन यार। हाँ सुना। हम लोगों ने फिल्म देखी, आज इस फिल्म को देखकर तुम लोगों ने क्या सीखा। क्या सीखा, अबे ये कुछ क्या नहीं सीखा, हम सब लोगों ने सब कुछ सीखा। नफरत करना सीखा। ना मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करना सीखा। रोना भी सीखा, हंसना भी सीखा। मरना भी सीखा और मारना भी सीखा। हम लोगों ने सब कुछ सीखा, बचा क्या है। जब हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है तो हीरो क्यों नहीं बन सकते। हाँ यार, हमने तो सोचा ही नहीं। जब अच्छे बेटर का काम करके हीरो बन सकता है, जब निरुभा गाना गा के हीरो बन सकता है, जब वो बहुनवा छोटे छोटे हाथ हिला के हीरो बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तू मुझे देख, निरुभा से कम लगता हूँ। मेरी फैट देख कर तो देखो क्या अच्छे से कम लगती है। मैं उस बहनवा से लाखों गुना क्या करोड़ों गुना अच्छा लगता हूँ। हाँ भाई, हम लोग हीरो बन सकते हैं, पर तूने अपने 200 ग्राम भेजे में कोई प्लानिंग बनाई है क्या। प्लानिंग तो बन रही है, हम लोग हीरो बनेंगे। भैया हमार मुर्गो हराई गए, कहूं देखे ना। बाबा ना देखिया, भैया हमार मुर्गा हराई गए, कहीं देखे हो। नहीं बाबा नहीं देखे। गोलू चाचा आपके मुर्गी अर्जुन भैया चुरा के ले गए। चलो बेटा बताओ तो। भाई राम राम।
राम राम गोलू भाई, आइए बैठिए। सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक है। और बताओ गोलू भैया। का बताए भैया, आपके लड़के ने मुझे परेशान कर दिया। क्यों, क्या किया है उसने भैया? अरे भाई, मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसको बड़े प्यार से दाना खिलाता था मैं। अर्जुन और उनके दोस्त ने उसको पकड़ कर बेच डाला। अच्छा गोलू भाई, अर्जुन को आने दो, मैं पूछता हूँ। ठीक है, ये गलत बात है भाई, डांट देना भाई, ऐसी हरकत से पूरा गांव खराब हो जाएगा। अर्जुन एक बात बताओ, ये जो तुम हरकत करते हो क्या वह सही है? तुमसे सारा गांव परेशान है, ऐसा क्यों करते हो तुम? मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान, ये लड़का कब सुधरेगा, इसको रास्ता दे प्रभु। आज से हम लोगों की प्रैक्टिस शुरू, ठीक है? मेरा सर फोड़ दिया। रुको 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 रुको, ए यहां ये बताओ, तुमने इसके सर पे क्यों मार दिया? फिल्म में भी तो ऐसा होता है, हीरो विलन को फोड़ फाड़ डालता है। अबे वो असली थोड़ी होता है, रंग होता है। अबे तो पहले बताना था ना। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम देखो और मन करे तो तुम भी करो। हम लोग ऐसे ही हीरो बनेंगे, ठीक है? अब तो हम लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई है,
लेकिन हम लोग पर्दे पर कैसे आए? इसके लिए हम लोगों को एक फिल्म लाइन का जानकार आदमी चाहिए जो हम लोगों को पर्दे पर पहुंचा सके। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो एक्टिंग के मामले में स्टार नहीं सुपर स्टार। वो कौन है भाई? वो है सुपर स्टार विराट। वाओ, तब तो बहुत अच्छा है सर, हमको उसे मिला दीजिए। मिलने से कोई फायदा नहीं, वो अब काम करना छोड़ चुका है। पर क्यों? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना जानते हैं कि वो फिल्म लाइन में काम करना नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे प्रतिभा, आज बड़े सवेरे सवेरे इतना टिप टॉप होकर कहाँ जा रही हो? मुझे कल फेसबुक पे एक एड मिला था, हमारे पास के इसी क्षेत्र में कोई फिल्म बनने जा रही है, उसमें नए कलाकारों को मौका दिया जा रहा है, इसलिए मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ। रुको रुको, हम सभी दोस्तों ने मिलकर एक कसम खाई है, हम लोगों को भी स्टार बनना है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, चलो हम लोग भी ऑडिशन देने चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा, ये अर्जुन, बीरू ये संजय और वो लल्लू राम। हम लोग आपके फिल्म में काम करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑडिशन देने आए हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर के ऑडिशन दे सकते हैं। जी। आपका नाम? संतोष चौहान। आप कहीं काम किए हैं? कभी नहीं। तो ठीक है, जाइए। आप लोग क्या करना चाहते हैं? सर हम लोग आपके फिल्म में काम करना चाहते हैं। कहीं एल्बम अल्बम बनाए हैं? जी नहीं, अभी हम लोग नए हैं, आपके फिल्म में काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को दो चार दिन में बताएंगे। जी आप लोग जाइए। यार आज ऑडिशन दिए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, पर डायरेक्टर साहब का कोई जवाब नहीं आया। हाँ यार, उसने कहा था मैं आप लोगों को दो चार दिन में बताऊंगा, पर अब तक नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का काम उसको ना पसंद आया हो? उसने कहा था आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सी कमी है मैं पूरा कर लूंगा। तब कैसे कहा जा सकता है कि हम लोगों का काम पसंद नहीं आया? हाँ तुम्हारा भी कहना सही है। हेलो, हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? ओके सर, ओके। हम लोगों को फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। चलो प्रतिभा को भी एक खुशी की बात बताते हैं।
तुझको ढूंढा ना जाने कहाँ कहाँ, तू मुझको मिली यहाँ यहाँ यहाँ। इतना उछल क्यों रहे हो? डायरेक्टर का ही फोन आया था, हम लोगों को फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ कसम से। तब तो ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ, तुम लोग पुल पे ठीक चलो। है अच्छा ठीक है, अब चलो चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने हम लोग को बुलाया था सर? हाँ बुलाया था। अर्जुन को मेरे पास भेज दीजिए, आप लोग यहीं इंतजार करिए। ओके सर। आइए बैठिए अर्जुन जी, आप लोगों ने ऑडिशन बहुत अच्छा दिया, पर आप लोगों में अभी बहुत कमी है, ऐसे में आप लोगों पर कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा, इसलिए आप लोग कुछ पैसे का इंतजाम करिए और एक एल्बम बनाइए, उस एल्बम को देखकर आप लोगों को फिल्म में काम दिया जाएगा। हम लोग एल्बम कैसे बनाएंगे सर, हम लोग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, आप लोग पैसे का इंतजाम कर लीजिए, एल्बम मैं बनवा दूंगा। ओके सर, पर कितना पैसा लगेगा? कम से कम 50,000 रुपये लगेगा। ओके सर, हम लोग पैसे की व्यवस्था करके आपसे मिलेंगे। ओके। हम लोगों का डांस एक्टिंग तो डायरेक्टर को काफी पसंद आया है, पर फिल्म में काम देने से पहले वो हम लोगों का काम कैमरे पर दिखना चाहता है। तो क्या हुआ, हम लोग दिखा देंगे। अरे यार ऐसे थोड़ी दिखाना है। तब कैसे दिखाना है? वो बोला है कि पहले हम लोगों को एक एल्बम बनाना पड़ेगा, फिर वो एल्बम रिलीज किया जाएगा, उसका काम देखने के बाद तुम लोगों को फिल्म में काम मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग तैयार हैं, जब वो शूटिंग लगाए तो हम लोगों को बता दे, हम लोग एक्टिंग करने पहुंच जाएंगे। अरे यार ऐसे नहीं होगा। तब कैसे होगा मेरे बाप? उसमें जो भी पैसा लगेगा वो हम लोगों को देना पड़ेगा। पर कितने पैसे लगेंगे? 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? नहीं ये ठीक नहीं होगा, मैंने सुना है इस लाइन में लोग लूटते भी बहुत हैं, और इतना पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? पर अगर हम लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। विराट भाई नमस्कार। हेलो सर। हेलो सर, मैं प्रतिभा और ये मेरे दोस्त, मैंने सुना है सर आप बहुत बढ़िया एक्टर हैं और आपकी एक्टिंग लाजवाब है। हूँ नहीं था सर, हम लोग भी एक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें? एक्टिंग का भूत अपने दिमाग से निकाल दे और कोई अच्छा काम करे। हीरो हीरोइन बनना इतना आसान नहीं, इसके चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है और इस लाइन में लूटने वाले भी लोग बहुत मिलते हैं। क्या सर, हम लोगों ने तो सोचा था कि आप बड़े हिम्मती होंगे, पर आप तो मैदान छोड़ के भागने वालों में से निकले। हम लोग स्टार बन के रहेंगे, हम लोगों के साथ कई लोग हैं। तो जाइए जाकर बनिए, वैसे भी तुम लोगों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, खेले जाइए निकलिए। सॉरी सर, इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अर्जुन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विराट जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो जो कह रहे थे वो सही था, इस लाइन में लोग लूटने वाले भी बहुत होते हैं। चुप विराट की चमची, अगर खाना खाना है तो बनाना भी पड़ेगा, कोई बनाकर क्यों खिलाएगा? अगर मान लो किसी ने बना भी दिया, कोई अपने पैसे लगाकर खाना बनाने का सामान क्यों लाएगा? मैडम तुम लोग नहीं समझोगे, भाड़ में जाओ। हम सब लोग मिलकर पैसे का इंतजाम करेंगे, जो जितना ला सकता है वो उतना लाएगा, हम लोगों को किसी भी कीमत।
बेटा, तुम कैसे हो? आज बहुत उदास बैठे हो, कोई बात है क्या? पापा, मैं फिल्म में काम करके हीरो बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सारी दुनिया मुझे जाने, हमारा भी एक बड़ा सा बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो। पापा, मुझे एक फिल्म में काम भी मिल गया है, बस कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, सपने देखने में बुराई नहीं है, बस इंसान को अपने हद में रहकर सपना देखना चाहिए। और हम लोग फिल्म बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? इसलिए बेटा, फालतू बातें छोड़ दो और कोई अच्छा काम करो। नहीं पापा, मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। और फिर ज्यादा पैसे भी कहाँ लग रहे हैं, केवल 50,000 रुपए की तो बात है। तुम्हारा दिमाग खराब है, 50,000 कम होता है, 50,000 क्या 50 रुपए भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ पैसों का काम है, वो बाइक है मेरी, उसे बेचना है, आप लेंगे? चेक करा दीजिए। सर, मैं एक चैन लाया हूँ, उसको बेचना चाहता हूँ। लाइए दिखाइए।
अर्जुन यार, शूटिंग खत्म हुए एक हफ्ता हो गया लेकिन डायरेक्टर साहब ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया और ना ही फिल्म की शूटिंग के बारे में कुछ बताया। हाँ भाई, मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। पहले तो डायरेक्टर साहब हमेशा फोन करते रहते थे, पर अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। हो सकता हो कहीं काम में फंस गए हों। नहीं यार, ऐसा नहीं है, काम तो खत्म हो चुका है। आप कौन से काम में फंस रहे होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग के साथ धोखा हुआ है? पता नहीं यार, हम लोग खुद चलकर उनसे मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, आओ प्रतिभा बैठो। प्रतिभा मेरे पास बैठो ना। ये क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मेरा हाथ। चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। प्रतिभा मैं तुझे फिल्मों में काम दिलाऊंगा, तुम्हें टॉप क्लास की हीरोइन बनाऊंगा, पर तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना पड़ेगा सर? तू मेरे दिल को भा गई, बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके मुझे खुश करना होगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी फिल्म में काम। काम तुझको नहीं चाहिए, पर मुझे तुमसे काम चाहिए। बच के कहां जाओगी रानी? तुझे जानता नहीं, इसे मानता नहीं, इसको बचाने मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे फोड़ डालने मेरा कोई नुकसान नहीं। अबे वो लौंडे, तू मुझे जानता नहीं, ठाकुर भवानी सिंह का बेटा और खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर। तेरे बाप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तूने अपने आप को फिल्म प्रोड्यूसर बता के दूसरे की लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई कर दी है। अब तो तू पक्का ठुकेगा। Thank you.
चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। ठीक हूँ यार। सर आपने कुछ बताया नहीं। मैंने आप लोगों का काम देखा है, बिल्कुल बकवास है। आप लोग जाइए और मेहनत कीजिए, उसके बाद आप लोगों का काम मैं देखूंगा, उसके बाद मैं अगले फिल्म के लिए सोचूंगा। ये तो गलत है सर। हम लोगों की बात हुई थी कि इस एल्बम में काम करने के बाद हम लोगों को फिल्म में काम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों ने जो पैसा दिया था वो वापस कर दीजिए। अबे कौन सा पैसा बे? तुम लोगों का एल्बम बन गया है, एक सीडी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, तुम लोग हीरो बन गए। चलो निकलो यहाँ से। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आप लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा। चलो निकलो। हाय अर्जुन, कैसे हो? अरे हुआ क्या, तुम लोग को सांप सूंघ गया है क्या? तुम लोग बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? कुछ तो बताओ। क्या बताएं प्रतिभा, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। शायद तुम्हारी बात ना मानकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। बर्बाद क्या है, हुआ क्या? वो डायरेक्टर फ्रॉड निकला, हम लोगों का सारा पैसा खा गया। एक दो दिन नचा कुदा कर बोलता है तुम्हारा काम बिल्कुल बेकार है, तुम लोगों को काम नहीं मिलेगा। जब हम लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो बोलता है कौन सा पैसा, तुम लोगों की जो शूटिंग हो गई है उसकी कैसेट तुमको मिल जाएगी। अब हम लोग सीढ़ी का क्या अचार डालेंगे? मैंने तुम लोग को पहले ही समझाया था पर तुम लोग मेरी बात नहीं माने, देखो परेशानी में पड़ गए ना। हाँ ये तो है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, कल हम लोग विराट जी के पास चलेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और हाँ, लल्लू राम और संजय को भी साथ में ले लेना। हाँ ये सही सोचा, उनसे मिलेंगे। क्या बात है प्रतिभा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? आओ आओ मेरे शेरो, मिटाली खुजली, हो गए बर्बाद, बन गए स्टार। जब मैं तुम लोगों को समझा रहा था तब तुम लोगों के समझ में कुछ नहीं आया, अब मैं क्या करूं, घंटा ही लाऊं? विराट जी ये लोग बर्बाद हो चुके हैं, ये अपना सब कुछ बेच चुके हैं, आप ही इनका आखिरी सहारा हैं। आप ही कुछ कीजिए, गुस्सा खत्म कर दीजिए, इन लोगों को माफ कर दीजिए। ये नादान है क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं और एक कलाकार का दर्द समझ सकते हैं। प्रतिभा जी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अपना हीरो बनने का सपना नहीं तोड़ा, मैंने भी इसके लिए अपना बहुत कुछ खोया है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हीरो बन सकता हूँ, सारे लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा था, वो प्रोड्यूसर सही कह रहा था, सुबह पापा से बात करूंगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तुम मायूस लग रहे हो?
नहीं पापा, ऐसी बात नहीं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक है। आज सुबह सुबह कैसे? बस अंकल जी यूं ही चले आए, क्योंकि कल हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ पे विराट ने पूरा स्टेज हिला के रख दिया, और क्या डायलॉग बाजी की और क्या एक्टिंग की कि सारी पब्लिक झूम उठी। सच में तूने ऐसा किया? हाँ पापा, मेरा प्रोग्राम सबको बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं अंकल जी, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर भी था जो विराट को लेकर एक फिल्म भी बनाना चाहता था। सच में? तो तूने क्या कहा? पापा मैंने अभी कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं। अरे बेटा, मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि तू इस दुनिया में सितारा बनकर चमके, और आज तेरी किस्मत तुझे खुद बुला रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हेलो पांडू सर, नमस्ते, मैं विराट बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते विराट, तुमने क्या सोचा? मैं सर काम करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पापा भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, आपके पापा से भी मुलाकात हो जाएगी और आपको समझा भी दूंगा। ठीक है सर। पापा, पांडू जी आए हैं, आइए बैठिए सर। और बताइए। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बैठिए। और कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके लड़के का एक्टिंग देखा है, बहुत प्यारे एक्टिंग करता है। तो क्या मेरा बेटा हीरो बन सकता है? समझ लीजिए बन गया। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें आपके लड़के को हीरो बना रहा हूँ। इस फिल्म के बाद में आपका लड़का स्टार होगा। ये सब आपकी मेहरबानी, ये सब आपका आशीर्वाद है जी, जो आपके बच्चे के साथ रहता है। मेरी फिल्म 80 लाख की बजट की है, मैं समझा बुझा के प्रोड्यूसर से 17 लाख लगवा दूंगा, और आपको 10 लाख लगाना होगा। लेकिन आप परेशान ना होइए, सोचकर तब बताना। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, घर 4 लाख, जमीन 2 लाख, ये घर की कीमत है, और ये गांव की खेत, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं पापा, ये ठीक नहीं है। ये आपकी सारी जिंदगी की कमाई है, और सारी जिंदगी की कमाई दांव पे लगाना अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा ही ठीक हूँ, नहीं बनना मुझे हीरो। अरे बेटा, मेरे लिए मेरे जिंदगी की कमाई तू है, तेरे आगे ये जमीन जायदाद सब कुछ बेकार है। जब तू हीरो बन जाएगा तो लोग कहेंगे कि वो देखो विराट हीरो के पिता जा रहे, और वो मेरे जिंदगी का सबसे हसीन पल होगा। लेकिन पापा, मुझे तुझ पर भरोसा है, और तुझे अपने आप पर। पांडू से तू बात कर, और मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। विराट, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये परेशानी ना खड़ी कर दे। तुम परेशान मत हो, तुम दिल की मरीज हो, तुम्हारे लिए चिंता करना ठीक नहीं है, सब अच्छा होगा। ठीक है, अब जाओ तुम।
धर्मा भाई ये विराट हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हीरो बनना चाहते हैं और एक्टिंग धमाकेदार है इसकी। और भाई ये 10 लाख फाइनेंस भी कर रहा है। जी जी ठीक है ठीक है, पैसा यहां रख दो। बहुत लोगों को हमने हीरो बनाया है, तुमको भी आजमा लेते हैं, देखते हैं इसमें कितना दम है। दम तो इतना है सर कि हिला के रख दूंगा सबके दिलों को भी और दिमाग को भी। गुड, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया। तुम जाओ तैयारी करो, 5 तारीख से शूटिंग चालू होगा। ओके सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? अरे ठीक है, और बढ़िया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विराट जी ठीक है? ये हटना, आइए भाभी जी बैठे ना। अरे विराट जी हाँ, चलिए आइए देखिए। आप भी लीजिए और लीजिए, इसको पढ़िए। विराट जी आइए, आप हमारा सेट देख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर? विराट सुपरस्टार बनेगा, मैं चाहूंगा तो बनेगा।
अगर तुम चाहोगी तो मैं चाहूंगा। मतलब? भाभी, आपकी इस गदराइल जवानी ने मेरे दिल को घायल कर दिया है। एक बार अपने जवानी का रसपान करा दो, समझो विराट सुपरस्टार बन गया। मैं रील का ही नहीं, रियल का भी हीरो हूं। अगर तू मेरा रियल एक्शन देखेगा ना, तो तेरे ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी पसीना निकलेगा। इसलिए हमेशा अपनी हद में रहना, हद पार नहीं करना। तेरे दिल की धड़कन और अटकी हुई सांसें बता रही हैं कि मेरे इस सीन से तेरा दिल और दिमाग दोनों हिल गया है। विराट सेट पे जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम ठंडे दिमाग से काम करना। सर, ऐसा होता है क्या? ये लोग ऐसे हैं? कितनी नीच हरकतें और गंदी सोच है इन लोगों की, इसीलिए ये लोग फिल्म बनाते हैं क्या? विराट जी, आप गलत लोगों के साथ पड़ गए हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसलिए आप ठंडे दिमाग से सोचना और शूटिंग मत छोड़ना। शूटिंग छोड़ने से आपका पैसा डूब जाएगा। उन लोगों को तो केवल बहाना चाहिए। ओके सर, चलता हूं। धर्मा भाई, पांडू, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए। उठा कर लाओ उसे मेरे अड्डे पर। जाओ, देखता हूं कितनी गर्मी है तेरे अंदर। आज मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। क्या किया पांडू? मेरी फूल जैसी भाभी को लाके वहां फेंक दिया। मेरी भाभी जी का जगह वहां नहीं, यहां है, यहां है, यहां है। बहुत गर्मी है ना तेरे और तेरे उस विराट के अंदर। आज तेरी गर्मी मैं निकालूंगा। मैं We'll be right back.
नमस्कार को Ah.
विराट जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं यार। ए अर्जुन, तुम लोग को भवानी भाई ने बुलावा भेजा है। क्यों बुलाया है? वहां पहुंचोगे सब पता चल जाएगा। एक काम कर, इन लोगों के साथ मुझे भी चलिए। ना 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 ना, वो खून खून हो जाएगा। ये साला मेरे पीछे मेरी बुराई किया तो मैंने ये अंजाम किया, और वो जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया, अपने पैरों पर घूम रहा है, पता करो कौन हो लौंडा। आओ आओ मेरे भारत के स्टारों, आओ। हीरो बनना है तुम लोगों को? हीरो तो तुम लोग बन गए। उस डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करोगे, वो डायरेक्टर अपना आदमी है, पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। जाओ जाके गांव में गिल्ली डंडा खेलो, जाओ। हम लोगों को अपना पैसा चाहिए। ओए दे इसे पैसा। तू घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। पता है तुझे क्यों नहीं मारूंगा? तू अपनी ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक सारी ताकत लगा ले इनको स्टार बनने से रोकने के लिए, पर मैं इनको स्टार बना के छोड़ूंगा। इस एरिया का आवारा शेर हूं मैं, शिकार को तड़पने का भी मौका नहीं देता हूं। दूर रहना मेरे से वरना।
सब लोग क्या घात छीन रहे थे, इसीलिए तुम लोगों को मुस्तंगों की तरह तैयार कर रहा हूं। और वो कल का लौंडा तुम लोगों को ठोक कर चला गया और तुम लोग कुछ नहीं खा पाए। भैया वो गोली की तरह आया और बारूद की तरह सब कूड़ा के चला गया। उसको मरना ही होगा, मरना ही होगा। नहीं, मरना नहीं, जीना होगा उनको। एक एक पल मरने के लिए जीना होगा उनको। पहली बार मुझे किसी ने चैलेंज किया है, वो भी मेरे घर के अंदर आके मेरे लोगों को मारकर मुझे चैलेंज करके चला गया वो। पापा, मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा मैं। नहीं, अभी उन लोगों को दी हुई मौत उन पर एहसान होगी और मैं एहसान नहीं करता, बदला लेता हूं बदला। उनको तो पल पल तड़प के मरना होगा। जब वो मौत की भीख मांगेंगे तब उनको मौत दूंगा मैं। ओए, अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दो, कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनको काम ना दे सके और ना ही कहीं उनकी शूटिंग हो सके। जी ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। क्या हुआ अर्जुन, बहुत उदास बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताएं भैया, आज पता चल रहा है कि किसी चीज को हासिल करने में और पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने पापा के इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद कर दिए, अब मैं अपने पापा के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा। तू परेशान ना हो, तेरे पापा तेरे से बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए तेरे पापा तुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पापा के पैसे कमाए हुए हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लोग कल ही पुलिस स्टेशन चलेंगे और डीके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम लोगों को एक आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्या मामला है? सर ये मेरे दोस्त हैं और इन लोगों से उस आदमी ने बेवकूफ़ बना के 50,000 रुपये ले लिया है, और जब ये लोग उससे पैसा वापस मांगते हैं तो वो अपने आप को भवानी सिंह का आदमी बताकर डराता है इन लोगों को। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम डीके है, वो अपने आप को डायरेक्टर कहता है। चलिए ठीक है ठीक है, मैं इंक्वायरी कर लूंगा, आप लोग जाइए। आज से खाना पीना सब बंद, मेरे खून में आग लगी है और तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है। अभी तक उस विराट का कोई पता नहीं चला, अगर उसने एक भी काम किया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठाकुर साहब अब बिल्कुल परेशान ना होइए, हमारे सारे आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, वो काम क्या एक ठुमका भी नहीं लगा पाएगा। ठाकुर साहब वो सबको ठुमके लगवा देंगे, आज वो मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था, मैंने उसे डांट कर हटा दिया, लेकिन वो आगे जाने की बात कर रहा था। इस विराट ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा।
नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर तुमसे ये सब नहीं होगा तो हीरो कैसे बनोगे? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हम लोगों का हौसला मजबूत है तो हम लोगों को अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आज से हम लोगों की जिंदगी का एक ही मकसद है, लक्ष्य सुपरस्टार। अरे ओए बे, बहुत हो गई तैयारी, बहुत हो गई शूटिंग, अब होगा सीधे क्लाइमैक्स और उसमें होगी तुम लोगों की मौत। अबे तुझे पता नहीं, हमेशा क्लाइमैक्स में विलेन की मौत होती है और इधर हीरो उधर विलेन। तुझे और तेरे सपनों को चला के राख कर दूंगा। अबे ओए, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे विराट कहते हैं, उसे विराट कहते हैं। अबे तूने क्या समझा, तेरे ये भाड़े के टट्टू मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे? तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं हूं विराट। कितनी भी बड़ी चुनौती आए मेरे सामने, मैं उसे अपने पैर तले रौंद के आगे निकल जाता हूँ। मैं एक या दो कदम पे नहीं, सीधे फाइनल कदम पे फोकस करता हूँ, और उसके बीच में जो मेरे आया वो समझो खत्म। आज बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया, कोई खास बात है क्या? हाँ यार, बात तो बहुत खास है। तो बता भाई क्या बात है? मैं फिल्म लाइन में वापसी कर रहा हूँ। क्या तू सच कह रहा है? हाँ सच में। तू फिल्म लाइन में वापसी कर रहा है? फिल्मों में मैं वापसी कर रहा हूँ, अपने लिए भी, किसी और के लिए। किसी और के लिए भी मतलब? अरे यार मुझे चार लोग मिले जो इस लाइन में बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनको हीरो बनाकर ही दम लूंगा। बहुत अच्छा सोचा तूने, लेकिन अब हम लोग क्या करें? हम लोग उस डायरेक्टर से मिलते हैं, वो हम लोगों को सही राय देगा।
ये हीरोइन बहुत प्यारी है, ये तो भाभी बनने लायक है। बनने लायक नहीं बे, ये तो खुद भी बनना चाहती, पर भैया भाव ही नहीं देते। भाभी भाभी बोल डालिए आज, नहीं तो रह जाओगी ऐसे देखते। प्रतिभा यहाँ आओ। इधर आओ, देखे चलो हाथ दो, ऐसे पकड़े और ये घूमे और यहाँ तक आए, ठीक है ना? चले ओके, हाँ चलो घूमिए। अरे ऐसा नहीं, हटिए हटिए हटिए, यहां से आए और ये घूम के खड़े होना है, ठीक है ना? ऐसे करना है, समझ में आ गया? हाथ रहा आओ। सॉरी 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 सॉरी, बगैर बताया अचानक। थैंक यू सर, बस आपसे मिलने का मन कहा और चले आए। बहुत अच्छा किया। और बताओ क्या चल रहा है? और सब अच्छा चल रहा है सर, बस आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ। मैं सर फिल्म लाइन में वापसी करना चाहता हूँ, जो काम अधूरा रह गया था उस काम को पूरा करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, मैंने कहा था तुम्हारे जैसे एक्टर की इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं, हम 6 लोग, उसमें एक हीरोइन भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी पूरी टीम तैयार है। अब मैं क्या करूं सर? विराट हमें थोड़ा टाइम दो, मैं तुम लोगों के लिए बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। और बताइए क्या हाल है? बढ़िया है सर। ये प्रतिभा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैंने आप लोगों के लिए कई जगह बात की है। थैंक्स सर। विराट एक कंपनी है, अयोध्या कृष्णैया म्यूजिक, जो एक बहुत अच्छे पैमाने पे काम करती है। अगर उसमें आप लोगों की एंट्री मिल जाए तो बहुत जल्द आप लोग क्लिक कर जाएंगे। पर एंट्री कैसे मिले सर? वो एक कंपटीशन कर रहे हैं, कौन बनेगा सुपरस्टार। अगर तुम लोग इस कंपटीशन को जीत गए तो समझो सुपरस्टार बन गए। ओके सर, इस शो को हम लोग जरूर जीतेंगे। साम्राज्य पर भारी पड़ रहा है, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन सबको मार डालूंगा। काली तुम एक काम करो, तुम अपने आदमियों को लेकर तैयार रहो, जब उनमें से कोई अकेला दिखे तब उन पर वार करो। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आप आदेश दे तो सबको उठाकर हवालात में बंद कर दो। नहीं, तू जो अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। हेलो ठाकुर साहब, विराट तो हीरो बन जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अबे भेजा मत खा, सीधे सीधे बता क्या हुआ, कैसे हीरो बन जाएगा वो? अयोध्या कृष्ण कन्हैया म्यूजिक की तरफ से एक शो होने वाला है, कौन बनेगा सुपरस्टार। उस शो में विराट और उनके साथियों को एंट्री भी मिल चुकी है, अगर वो उस शो में जीत गया तो उसको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओ नो, उसे मैं रोकूंगा।
ठीक है, तू क्या खास चीज लाए? वहां विराट शो की तैयारी कर रहा है, चलो मेरे साथ। इस क्षेत्र में मेरा साम्राज्य है, मैं जहां कदम रखता हूं वहां तबाही आ जाती है। तू ऊपर वाले से दुआ कर कि तेरी कंपनी में मैं दोबारा पैर ना रखूं। पर क्या बात है सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू एक शो करवा रहा है, उस शो में विराट और उसके टीम को सेलेक्ट किया है तूने, उनको इस शो से बाहर निकाल दे वरना तू मेरा विराट तांडव देखेगा, जिससे होगा विराट प्रलय। जी सर, मैं उसे निकाल दूंगा। विराट, तुमको और तुम्हारी टीम को शो से निकाल दिया गया है। इसमें जरूर भवानी सिंह ने कुछ किया होगा, वरना वो लोग तो तैयार थे और तुम लोगों के डांस से खुश भी थे। हाँ, भवानी सिंह ने जरूर उन लोगों को डराया धमकाया होगा। मैं उस भवानी सिंह का खेल ही खत्म कर देता हूँ। नहीं विराट नहीं, ये वक्त जोश का नहीं होश से काम लेने का है। हाँ विराट सर, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जोश में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। हम लोग एक काम करते हैं, भवानी सिंह चेयरमैन को डरा धमका कर तुम्हारा शो तो करना रोक सकता है, पर तुम्हारा पब्लिक के दिलों पर राज करना नहीं रोक सकता है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सर। हम लोग एक रोड शो करेंगे और मुझे यकीन है कि तुम लोग पब्लिक के दिलों पर छा जाओगे। बिल्कुल सही आइडिया है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डायरेक्टर रविंदर मिश्रा। जी बैठिए। सर एक वीडियो है, इसको आप देखिए। अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है इन लोगों ने, पब्लिक सपोर्ट भी बहुत मिला है इन लोगों को, पर पता नहीं क्यों ये लोग पहचाने लग रहे हैं। सर ये वही टीम है जिसको आपने शो में सेलेक्ट किया था, फिर बगैर ओझा बताए हुए निकाल दिया, विराट और उनकी टीम। लड़के में दम है यार, पर क्या करूं, उस दिन एक आदमी आया था, मैं मजबूर था, इसलिए विराट और उसकी टीम को मुझे हटाना पड़ा। लेकिन आप परेशान ना होइए, विराट और उसकी टीम इस बार कंपटीशन में उतरेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह जीतेगी भी। आप जाइए उनको कहिए कि जोरदार तैयारी करें, आज से ठीक 5 दिन बाद शो है। थैंक यू सर। विराट इधर आओ। क्या हुआ सर? अपना प्लान काम कर गया, हमारी टीम को एंट्री मिल गई। सच में सर? सच में। अब तुम लोगों को मेहनत करके तैयारी करनी है। सर इस शो को जीतने के लिए हम लोग अपनी जान लगा देंगे। अबे ये तो स्टार हो गया है और इसका लीडर सुपर स्टार हो गया है। अबे सुन, आज तुझे स्टार हम बनाएंगे, वो भी इस दुनिया का नहीं उस दुनिया का।
स्टार तो हमेशा ही चमकता है, फिर वो चाहे इस दुनिया का हो या उस दुनिया का। तू अपने बारे में सोच, जब उसे पता चलेगा तो वो तुझे क्या बनाएगा। अबे ए, मार साले को। रुक। डरने की कोई बात नहीं है, लड़का ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ इसे, क्या हुआ? भवानी बोल रहा हूं, तू यही सोच रहा होगा ना, ये सब किसने किया? तो सुन, मैंने किया ये सब, मैंने। ये तूने ठीक नहीं किया भवानी, अर्जुन पे हाथ उठा के तूने अपनी मौत को बुलाया है। मौत? मौत तो तुम लोगों की होगी, वो भी एक एक करके। तो फिर ठीक है, अपने कुत्तों से कह दे कि तेरे आसपास रहें। मैं तुझे अकेले नहीं, सबके साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। बेटा नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विराट, तूने ये अच्छा नहीं किया है, अपनी मौत को बुलाया है तूने। मैं सबको मार डालूंगा, तू
तुम सबको मार डालूंगा। अपने आदमियों को भेज और विराट के सभी करीबियों को उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आ। समझता है ना तेरा दोस्त अपने आप को? आज उसका शिकार करने का वक्त आ गया है। उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसके हर करीबी को मार डालूंगा और शुरुआत तेरे से ही होगा। मौत से किसको डराता ठाकुर? तू अपनी चिंता कर, विराट शेर है शेर, वो तुझे चीर कर रख देगा। तू उसे नहीं जानता, वो चलता फिरता एक बारूद है। अगर एक चिंगारी लगी तो सब साफ। तब तू सोच, तूने तो उसमें आग लगा दी है, आग तेरा क्या होगा?
कार्य चित श्री राम धर्म संस्थापक।